हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी आर मीटिंग विद द सेम चैप्टर ऑफ ईवीएस 1. टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर लास्ट पार्ट ऑफ द सेम लेसन, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट द एटमोसफियर ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू सी द वॉटर साइकिल एंड हाउ डज इट रेन्स. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस. अगेन वी विल जस्ट डू वन revision. Water on the earth evaporates continuously due to the heat of the sun. Earth के ऊपर का जो water part है वो continuously evaporate होते रहता है. क्यों? तो heat के, sun के heat के वजह से. Water that have percolated into the soil also evaporate due to the heat and enters the atmosphere. जो water soil के अंदर percolate हुआ रहता है, एब्जॉर्ब हुआ रहता है, वो वाला भी पार्ट जो है वो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर की वजह से, सॉरी हीट के वजह से ये इवापोरेशन होते रहता है. एज द वाटर वेपर इज लाइटर देन द एयर, इट राइजेज हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर कैसा है? इट इज वेरी लाइट. ओके, उसका जो वेट है वो बहुत लाइट है और इस वजह से जो एयर है ये वो एयर में कंटिन्यूसली अप इन द एटमोसफियर राइज होते रहता है. एज इट गोज हायर इट कूल्स एंड कंडेंस फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जैसे वो हाइट पर चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही कूल हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, फ्रीज अप हो जाता है और वो क्लाइमेट कन्वर्ट होता है फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. कंडेंस होना मतलब कम हो जाना. ओके, द ड्रॉपलेट्स ऑफ आर सो स्मॉल एंड लाइट दैट दे फ्लोट इन द एटमोसफियर फॉर्मिंग क्लाउड्स. दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्म द बिगर ड्रॉपलेट विच आर हैवी. दे कैन नॉट फ्लोट. सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब ये सारे ड्रॉपलेट्स, ये सारे क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं. ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इट गेट्स हेवी. बिकॉज ऑफ द हेवीनेस दे कैन नॉट फ्लोट नाउ एंड सो दे स्टार्ट ऑन फॉलिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. दिस रेन वाटर फ्लोज इन टू द रील्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड फाइनली इन टू द सी. आइस इन द स्नो कवर्ड रीजन्स also melts due to the heat of the sun to finally flow into the rivers. ये सब पानी जमा होकर, बारिश का जो पानी होता है वो continuously flow होकर rills, streams, rivers में flow होकर वो बाद में सबसे last में जाकर sea में वो मिल जाता है. Ice in the snow, ice जो कि snow covered region में होता है वो भी melt होकर, heat की वजह से melt होकर वो भी flow होकर river में मिल जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल गो ऑन इन द कंटिन्यूस साइकिल. ये जो फॉर्म्स है, फर्स्ट इवापोरेशन होता है, उसके बाद में कंडेंसेशन होता है और द रेनफॉल. दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ओके, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल इन नेचर. I hope you all have understood how the rain comes. Now you see the biosphere. What do you mean by the biosphere? All the living world in all the spheres is called biosphere. Okay. जो भी living world है, living things है जो कि lithosphere, hydrosphere, atmosphere में पाए जाते हैं उसे हम biosphere कहते हैं. There are innumerable kinds of living things on the earth. The various regions of the earth differs in many ways. Some regions are always covered with ice while others have a hot climate. Some regions में ice continuously होता है तो कहीं कहीं पर continuously hot climate होता है. तो जैसे earth के ऊपर अलग अलग region में अलग अलग climatical conditions होते हैं. हर जगह का जो लिथोस्फीयर है ये भी सेम नहीं होता है, मतलब अर्थ का जो पार्ट है वो भी सेम नहीं होता है. कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, तो कहीं पर वैलीज है. उसी तरह
some places have a lot of rainfall while some have the desert part, dry desert. There are salty seas and the oceans and also the fresh water lakes. The ocean is shallow near the coast, but away from the coastline the ocean can be several kilometers deep. कहीं कहीं पर ओशियन जो है वो बहुत ही शैलो होता है. शैलो मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता है, ऊपरी ऊपरी होता है, उसे भी हम लोग शैलो कहते हैं. वो कहाँ पर होता है? ज़्यादातर कोस्टल साइड में होता है, कोस्ट के जगह पर जहाँ से ज़मीन की शुरुआत होती है. बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन से दूर अगर हम लोग जाए ज़्यादा अंदर की तरफ, तो द ओशियन इज हाउ इट इज़ सेवरल किलोमीटर्स डीप. तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर जो लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है, ये अर्थ के ऊपर एक जैसा नहीं है. इसी वजह से बहुत सारे अलग अलग काइंड के लिविंग थिंग्स ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन पेज नंबर 16. वी सी अ ग्रेट वैरायटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहैबिटेड दिस डिफरेंट रीजन्स. The polar bear is seen only in the snowbound polar region. Zebra are found in Africa and kangaroos are found only in Australia. These animals are not found in any other regions. Elephants and the lions are found in the regions of the hot climate. Plants in all these different regions also show a great variety. This variety is characteristics of those different regions. जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह का जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है, ये अलग अलग है. इसीलिए हर जगह पर एक ही जैसे एनिमल्स नहीं पाए जाते. उनको सुटेबल, उनका जो हैबिटेट होता है वहीं पर वो ग्रो होते हैं. जैसे कि प्लांट्स की अगर बात करो तो, और एनिमल्स भी वहीं पर ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ के लिए वो बने हैं या वो वहाँ पर सुटेबल है उनके लिए क्लाइमेट. ओके स्टूडेंट्स, और इसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज डिफरेंट रीजन्स. मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर. लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर. दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद दिस स्फीयर्स. द लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर. द लिविंग वर्ल्ड जो होता है वो ही हम लोग बायोस्फीयर में उसको बोलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन वन अनदर. दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. द बायोस्फीयर इज वेयर द दे टेक बर्थ, लिव एंड डाई. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन. Some important points have been written here. I will read for you, but you will also read after me. The earth's crust and a small hard portion of a layer under it is called the lithosphere. About 1/3 of the earth's surface is occupied by the land, while about 2/3 is covered with water. Surface water, ice on the land, groundwater and the water vapor present in the air together form the hydrosphere. The envelope of air around the earth is called atmosphere. The water cycle on the earth goes on continuously. The ozone gas in the stratosphere absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun and protects the living things from them. Living things occupy parts of the lithosphere, hydrosphere as well as the atmosphere. Living things and all the parts they occupy are together called the biosphere. I hope you all have understood the lesson about what we have learned. That also we have revised from the starting to end. Okay, now after that, I will send you the PDF of the given exercise that you will write in your notebook. Also, the things which I have underlined, you will write in your notebook. See you, students. Bye.